अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट लेटेस्ट न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज आपसे मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिनका मैच है आज लाहौर कलंदर से, सेकंड क्वालिफायर है, और जो भी ये मैच जीतेगी वो सीधा चली जाएगी फाइनल में, मुल्तान सुल्तान से मैच खेलेगी फाइनल में। और इसके हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि इस्लामाबाद का बड़ा फॉरेन प्लेयर जो है वो आज के मैच खेलेगा। क्या तफसीलात हैं इस खबर की, शेयर करूंगा आपसे इस वीडियो में। सेकंड बात करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं पैट कमिंस टेस्ट टीम के, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, क्या है वो ऐलान, करूंगा शेयर आपसे इस वीडियो में। और तीसरी खबर आपको आपसे ये शेयर करूंगा कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के प्रीवियस 5 मैचेस जो हुए हैं इनमें किस टीम का पलड़ा भारी है, शेयर करूंगा आपसे इस वीडियो में। लेकिन इससे कबल ये तमाम टॉपिक डिस्कस होंगे, तमाम टॉपिक्स पर बात करूंगा, तमाम टॉपिक्स की तफसील आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इन तमाम की तफसीलात हो आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हम आज का जो क्वालिफायर मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, जिसमें इस्लामाबाद के क्वालिफायर से कबल उनके जो प्लेयर्स थे बाहर के, स्पेशली फॉरेन प्लेयर्स पर बहुत रिलाई करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो अवेलेबल नहीं थे। एलेक्स हेल्स भी छोड़कर चले गए थे और कॉलम मुनरो इंजर्ड थे, जबकि पॉल स्टर्लिंग जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से इस्लामाबाद को दस्तियाब नहीं थे। लेकिन अभी मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पॉल स्टर्लिंग जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज के इस बड़े मैच में दस्तयाब होंगे, जिसके बाद इस्लामाबाद की टीम बहुत बैलेंस नज़र आ रही है। इस मैच में अगर इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो वो बहुत स्टेबल नज़र आ रही है। तो ये प्लेयर जो पॉल स्टर्लिंग है ये इस मैच में खेलेंगे, जो इस्लामाबाद को बहुत हेल्प करेगी और बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। सेकेंड बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है पैट कमिंस टेस्ट टीम के, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में आकर खेलने के हवाले से बहुत एक्साइटेड हैं और वो बहुत इंजॉय करेंगे पाकिस्तान में खेलना। गो के उन इससे कबल उन्होंने सुना है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन इस बार वो खेल कर इंजॉय करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान में आना, तो ये बहुत अच्छी और खुशायन खबर पैट कमिंस की जानब से बड़ा ऐलान सामने आया है। और तीसरा मैं आपसे जो आज की इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद के दरमियान जो 5 मैचेस खेले गए हैं, लास्ट 5 मैचेस, सारे 5 नहीं, लास्ट 5 मैचेस जो खेले गए हैं उसमें 3 मैचेस में लाहौर कलंदर फाते रहा है, जिसमें से 2 मैचेस इस जो लीग टेस्ट के मैचेस हुए हैं पीएसएल 2022 के, वो मैचेस में जीत जो है वो लाहौर कलंदर ने हासिल की है, जिस जीत में फ़ख्र ज़मान का बहुत बड़ा किरदार था और ज़मान खान का बहुत बड़ा किरदार था इस जीत में। तो अगर पॉइंट्स टेबल और अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें लास्ट 5 मैचेस का, तो लाहौर का पलड़ा भारी नज़र आता है। और अब लास्ट में मैं करता हूँ अपनी प्रिडिक्शन में मुझे जो पर्सनली आज के मैच के फेवरेट्स नज़र आते हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आती है, क्योंकि बॉलिंग भी उनके पास अच्छी है। गो के लाहौर के पास बॉलिंग तो अच्छी उनके पास थी, राशिद खान जैसे स्पिनर उनके पास मौजूद थे, लेकिन अब नहीं है वो। तो आज के मैच में मुझे अगर दोनों टीम का कॉम्बिनेशन देखा जाए, दोनों टीम्स को अगर देखा जाए, तो मुझे आज के मैच के हवाले से जो मजबूत टीम नज़र आती है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बॉलर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर फहीम अशरफ को देख लें कितनी बेहतरीन कारकर्दगी उन्होंने पेश की है, और नीचे तक उनके प्लेयर जो हैं वो आपको बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ मौजूद है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आज के मैच के लिए मेरे हवाले से जो है वो फेवरेट है। लेकिन आप लोगों को भी इस वीडियो में शामिल करूंगा, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों की आज की मैच की फेवरेट टीम कैसी है, और आपको आज की जो न्यूज़ मैंने आपसे दो शेयर की हैं वो कैसी लगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त आज की इस वीडियो में, मुलाकात होगी आपसे एक नेक्स्ट और एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए क्रिकेट लेटेस्ट न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मुझे इजाज़त, अल्लाह नेकबान।